जब से पाकिस्तान ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 से बाहर हुआ था तब से ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान टीम में अव्यवस्था चल रही है। पहले पाकिस्तान टीम के कप्तान बाबर आजम ने इस्तीफा दिया और फिर इंजमाम उल हक पाकिस्तान सेलेक्टर कमेटी के अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया। अब रेड बॉल फॉर्मेट के लिए शान मसूद और व्हाइट बॉल फॉर्मेट के लिए शाहीन अफरीदी को चुना गया है। वहीं पाक सिलेक्शन कमेटी के लिए वहाब रियाज और सलमान भट्ट को जिम्मेदारी दी गई है। इसी बीच रमीज राजा पीसीबी के पूर्व अध्यक्ष ने सिलेक्शन कमेटी के मेंबर पर नाराजगी व्यक्त की है और पीसीबी के फैसले पर सवाल उठाए हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर रमीज राजा ने क्या और किसे कहा। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दरअसल ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 में पाकिस्तान के खराब प्रदर्शन के बाद पीसीबी के चीफ सेलेक्टर इंजमाम उल हक ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। उनकी जगह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने टीम के पूर्व गेंदबाज वहाब रियाज को यह जिम्मेदारी सौंपी। पीसीबी ने सलमान भट्ट को चयन कमेटी का सदस्य बनाया है जो स्पॉट फिक्सिंग के मामले में जेल भी जा चुके हैं। रमीज राजा ने इस पर नाराजगी जाहिर की है। रमीज राजा ने एक इंटरव्यू में कहा, एक ऐसी चयन समिति का होना पागलपन है जिसमें एक ऐसा सदस्य शामिल हो जो मैच फिक्सिंग के कारण जेल में बंद था। ये सचमुच एक पागलपन है, इससे पाकिस्तान क्रिकेट का नाम खराब हो रहा है। बता दे रमीज राजा ने सलमान भट्ट को चयन समिति का अध्यक्ष बनने पर ऐसा कहा क्योंकि सलमान भट्ट स्पॉट फिक्सिंग के मामले में जेल की हवा खा चुके हैं। सलमान भट्ट ने टेस्ट क्रिकेट में स्पॉट फिक्सिंग कर अपने ही देश का नाम खराब किया था। दरअसल साल 2010 में लॉर्ड्स टेस्ट के दौरान उनकी एक घिनौनी करतूत सामने आई थी। उन्होंने सट्टेबाज मजहर मजीद से पैसे लेकर स्पॉट फिक्सिंग की थी। इस पूरे मामले में उनके साथ पाकिस्तानी गेंदबाज मोहम्मद आमिर और मोहम्मद आसिफ भी थे। हैरान करने वाली बात यह थी कि आमिर उस समय सिर्फ 18 साल के थे। सलमान भट्ट को खुद नहीं पता था कि उनकी इस घिनौनी हरकत से उनका करियर समाप्त हो जाएगा। स्पॉट फिक्सिंग से पहले उन्होंने पाकिस्तान के लिए 33 टेस्ट, 78 वनडे और 24 T20 इंटरनेशनल मैच खेले थे। इस दौरान उन्होंने क्रमशः 1879, 2725 और 595 रन बनाए। उन्होंने टेस्ट और वनडे दोनों ही फॉर्मेट में शतक जड़ा। टेस्ट में उनके नाम 3 शतक तो वहीं वनडे में उनके नाम 8 शतक दर्ज हैं। तो आपको क्या लगता है, रमीज राजा की नाराजगी पीसीबी पर सही है या गलत? कमेंट्स करके राय अपनी जरूर बताइएगा। ऐसी रोचक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।